तो गाइज आप देख सकते हैं, हमें एक छोटा सा गाय का बछड़ा मिला है और हम इसे गोदाम में छोड़ के आएंगे। अब इसकी मम्मी पीछे से आ रही है और काफ़ी ऐसे जगह में गांव वालों ने इसे छोड़ा था जिसकी भी रही होगी, ये इसी इलाके की कहीं की रही होगी। और अब वही होता है पशु पशु पशुओं के साथ जो मवेशियाँ होती हैं, अगर वो यूज़लेस हो जाती है तो फिर लोग उन्हें या तो छोड़ देते हैं। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो कल बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रोड टूट चुकी है, ये लटक चुके हैं गवर्नमेंट के सेफ्टी गार्ड्स, ये खुद जिस पे हम निर्भर रहते हैं वो हम पे निर्भर है आज। तो गाइस ये हमारे पवन भाई, ये बिल्कुल सामाजिक कार्य में बहुत आगे रहते हैं। तो ये विचार भी इनका था, ये गाय हमें बहुत दूर पड़ी हुई, जब हम नीचे गए थे तब हमने देखा था इन्हें, ये भाग रही है। पवन इसको ऊपर भगाओ, ये भाग रही है। इस जगह काफ़ी बाघ वगैरह का डर होता है, जंगली जानवर का, और वो तो किस्मत अच्छी है इनकी कि ये हमें मिल चुकी है। लेकिन गाइस अभी हम इनको आगे हमारा चल 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 चल, ये डर रही है क्योंकि उसकी मम्मी नीचे को है तो इसलिए वो नीचे भाग रही है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त उसकी मम्मी को ला रहे हैं, माँ बोल दे, जरा माँ बोल दे, माँ बोल, माँ बोलियो बोलियो, माँ बोल दियो, आ जा ले। डर रही है, बहुत डर रही है क्योंकि हमने उसको उसकी मम्मी से अभी अलग कर दिया हुआ है। तो गाइज उसकी मम्मी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, अब वो भाग भाग के आएंगे। तो गाइज आप देखिए उसकी मम्मी कैसे आती है, ले ले ले, देखिए गाइज के साथ ही भागते भागते। तो गाइस हम ले जा चुके हैं इनको, ये है हमारे यहाँ का गोदाम। और इनको हमने पहुंचा दिया है इनकी मंजिल, आइए देखते हैं क्या होता है इनके साथ। अब इनको हम इनके गंतव्य स्थान आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ और भी आप देख सकते हैं, और भी हैं। जो भी यहाँ मवेशियाँ होती हैं आप देख सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर साफ सफाई आप देख सकते हैं, ये चारा के लिए उनके लिए बनाया गया है घास घूस, और ये पानी पी रहे हैं। पूरी व्यवस्था रखी गई है इनके लिए, और इसका जो स्लोप इस तरह से बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रखी है नीचे स्लैब की, ताकि टॉयलेट करे सीधे बाहर जाए, आप देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं आखिर में, दोस्त।
जंगल पागल।